हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके ही यूट्यूब चैनल पूर्वांचल सक्सेस एकेडमी गाजीपुर पे। मैं आपका होस्ट वरुण, स्वागत। आज आपका फिर से टॉपिक इंग्लिश है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का सबसे पहला टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, या फिर कह सकते हैं विलोम शब्द। तो पहला शब्द देखते हैं क्या है। पहला शब्द है जो पहला शब्द है अर्निंग। अर्निंग का मतलब क्या होता है? अर्निंग का मतलब होता है कमाई। तो कमाई का अपोजिट क्या होगा? खर्च। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। इन्जॉय, इन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना। और सफ़र का मतलब होता है कष्ट उठाना। एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। और फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। फेम का मतलब होता है बदनामी उठाना। और इनफैमी का मतलब होता है बदनामी। मतलब फेम का नाम प्रसिद्धि हो गया, तो इनफैमी का मतलब इनफैमी फेम प्रसिद्धि का अपोजिट क्या होता है? बदनामी। तो यहाँ पे इनफैमी का मतलब बदनामी होता है। फेथ का मतलब होता है आस्था। और डाउट का मतलब होता है शक, यानी जब किसी को किसी व्यक्ति पर डाउट होता है तो वो डाउट होता है, उसको डाउट कहा जाता है। सिनोनिम्स पे बात करते हैं, तो सिनोनिम्स की बात स्टार्ट होती है। तो सिनोनिम्स का आज का पहला वर्ड है कैप्टिशियस। देखिए, कैप्टिशियस का मतलब होता है कठिन। कठिन कठिन का पर्यायवाची क्या होगा? कैंसोरियस, हाइपरक्रिटिकल और फॉल्ट फाइंडिंग। तो कैप्टिशियस का मतलब बताया कि कठिन, तो उसी से रिलेटेड इन वर्ड्स का भी मीनिंग बनता है। फिर केयर, केयर का मतलब होता है कि देखभाल करना। इसका पर्यायवाची क्या होगा? सॉलिसिट्यूड। इसका पर्यायवाची होगा सॉलिसिट्यूड, एनेक्सिटी, मिसगिविंग और फोर बॉन्डिंग। थर्ड वन इज चार्लेटन। चार्लेटन का मतलब होता है क्या? कि मायावी। मायावी मतलब जो दिखावा करता हो, जो दिखाता है, होता नहीं है पर दिखता है, वैसा कुछ चार्लेटन का मतलब होता है। उसका पर्यायवाची होगा इम्पोस्टर, माउंटबैंक, क्वैक, चिनकैन और ट्रिककैस्टर। फिर इसके बाद होता है कॉलरिक। जो नेक्स्ट वर्ड है उसका नाम है कॉलरिक। कॉलरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा। जैसे कोई चीज़ पे कोई आदमी चिड़ जाता है, तो दैट इज़ कॉलरिक। इसका क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा इरसेजिबल, प्यूट्यूलेंट, बैड टेम्पर्ड, यानी बुरा इम्प्रेशंस, चिड़चिड़ाहट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स पे बात करते हैं। तो होमोनिम्स जो है आपका, सबसे पहला होमोनिम्स क्या है? व्यू। व्यू का मतलब होता है प्रेमी या मर्द मित्र, मेल फ्रेंड। ठीक है, व्यू का मतलब क्या होता है? मर्द मित्र यानी मेल फ्रेंड। तो और बाव का क्या मतलब होता है? इस व्यू का मतलब क्या होता है? बो का मतलब, ये भी बो है। इस बो का मतलब होता है बो का मतलब मुड़ा हुआ। इस व्यू का मतलब मेल फ्रेंड और इस बो का मतलब मुड़ा हुआ। बेल, इस बेल का मतलब होता है घंटी। और इस बैली का, ये बैली का मतलब होता है सुंदर स्त्री। बेसॉर्ट का मतलब होता है नशे में होना। और बेसाउट का मतलब होता है विनती करना। बैटर का मतलब होता है बहुत अच्छा। और इस बैटर का मतलब होता है जुआरी। तो यहाँ पर एक बार समराइज कर लीजिए। व्यू का मतलब होता है मेल फ्रेंड यानी मर्द मित्र, बो का मतलब होता है मुड़ा हुआ, बेल का मतलब होता है घंटी, और इस बैली का मतलब होता है वूमन यानी गर्ल। बेसॉर्ट का मतलब होता है नशे में होना। और बेसाउट का मतलब होता है विनती करने लगना। बेटर का मतलब होता है अच्छा। और बेटोर का मतलब होता है जुआरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।